एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज हम लोग एक नया ट्रैवल करने वाले हैं विच इज़ जयपुर टू दिल्ली। एंड यहाँ पे किस टाइम पे हम आए हैं, यहाँ पे अभी बज रहा है 5:37। हम लोग इस टाइम पे आए हैं सुबह सुबह। ट्रेन नंबर क्या है, कोच क्या है, सब मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल ट्रेन के अंदर चलते हैं, लगेज को सेटल डाउन करते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल एंड जर्नी दोनों इन्जॉय कराएंगे। हम लोग यहाँ पे एकदम लो सीट में बैठे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया है कि यहाँ पे 3 सेटिंग्स होती हैं, लाइक लोअर, मिडिल एंड अपर। तो वी आर सिटिंग इन लाइक लोअर कोच, ओके। एंड यहाँ से आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म कैसा है। एंड रही बात यहाँ की सीट्स की, तो सीट्स आर वेरी अनकम्फर्टेबल। हमने लिया है चेयर कार वाला, इसका इकोनॉमी भी है, पर हमने ये वाला लिया है। एंड ये रही मेरी मॉम। And it's like 6 o'clock, यहाँ से depart होगा। So it's 6 o'clock and ये train depart हो गई है। Just कुछ दिखा नहीं सकते because train खड़ी है वहाँ पे। Train number है 12985 and इसका departure है यहाँ से 6 o'clock and पहुँचेगा दिल्ली। एंड दिल्ली का है रोहिल्ला बाय 10:25। तो लास्ट टाइम भी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रेन टाइम पे थी। देर आर लाइक 5 स्टेशन ओवर हियर जो स्टॉप लेगी एंड 10:30 जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे पहुँचेगी। लेट्स होप कि ये टाइम पे पहुँचे। एंड फिलहाल थोड़ा सा मैं आराम करती हूँ यानी सोती हूँ एंड आप सीन्स इन्जॉय कीजिए। This is Gandhi Nagar Station. I really don't know how to show. इतना नीचे है ना, सब ऊपर दिख रहे हैं। गांधी नगर से भी डिपार्ट हो गया है, हार्डली 1 or 2 मिनट्स का यहाँ पे होल्ड होता है। सो बाय बाय गांधी नगर। आई मीन जब स्क्रीन क्लियर नहीं होती है ना, इस तरह से होती है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। यहाँ से 5 स्टेशन था जिसमें से आपने देखा कि गांधीनगर चला गया है, देन अलवर, देन आपका दिल्ली कैंट, सराय रोहिल्ला जो है आपका वहाँ पे डेस्टिनेशन है, बीच में गुड़गांव आएगा। एंड ये सब जगह पे 1 से 2 मिनट आपका रुकता है। सुबह हो गई है एंड क्लाउड्स आर सो ब्यूटिफुल। यहाँ आ गया है गर्मा गर्म चाय। दिस इज मोर लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। एंड दिस इज डिप डिप वाला चाय। ये एक चाय है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल फिलहाल के लिए डिप वाली चाय। भैया फ्रूट केक होगा ना, एक फ्रूट केक कर दीजिए मुझे लगा। एंड चिप्स होंगे अपने पास, फ्रूट केक बस। थैंक यू।
कितना हुआ इनको? ब्रेकफास्ट नहीं है क्या? चीज आएगा उसमें? उसमें ब्रेड कटलेट, आमलेट है। ब्रेड कटलेट ओके, वो ब्रेड कटलेट ही लेते नहीं, मेरे को यही काफी है। ठीक है, पे कर दो। कितना हुआ? सो पहली बार ट्रेन में मैं कुछ इस तरह के चिप्स वगैरह खा रही हूँ। यूजुअली जो IRCTC का या ट्रेन के जो ब्रेकफास्ट होते हैं वो लेते हैं, बट राइट नाउ इट्स लाइक बिफोर 7, तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी। 4 बजे से मैं उठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं खाया था ब्रेकफास्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। आई एम गोइंग टू हैव दिस। पता नहीं क्यों यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, चल ही नहीं रही है। एंड आई एम एंजॉयिंग दिस चिप्स। सो दिस इज ऑफ बिकानो आई गेस, क्रीम एंड अनियन राइट। एंड विंग्स का हमने फ्रूट केक लिया था जो मैंने अभी नहीं खोला है। सो फाइनली हमने यहाँ पे अपना वेज कटलेट ले लिया है। चाय आएगा क्या? चाय आएगा क्या भैया? चाय आएगा। So, this is bread butter and इसमें क्या है? चाय अभी तक आई नहीं है, so we'll wait. Hello. चलो अभी हम खोल लेते हैं। So initially इसमें just cutlets हैं, which is like in different shape. लाइक सिलेंड्रिकल, यूजली ना वो कभी दिल बना के देते हैं तो कभी स्क्वायर देते हैं। सो ये थोड़ा अलग है, नॉर्मल हो गया, अब ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल है। एंड ब्रेड एंड बटर एंड इसके साथ एक सॉस। अच्छा उसमें वेज वेजीज एंड क्या चाय आ गया? वेट चाय बोल दीजिए। सो हमारा चाय जी, दो चाय, मसाला चाय, कॉफी, टमाटर सूप, चाय आ गई। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। इट वॉज लिटिल गुड, बेटर देन यू नो द जो हम लोग को ट्रेन में मिलता है उससे काफ़ी बेटर लगा मुझे। एंड मसाला टी आई डेंट लाइक इट, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फीलिंग आ रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा मसाला डल गया। बट एनी वेज चाय नाश्ता हो गया है एंड अब थोड़ा सोती हूँ। अभी तक अलवर आया नहीं है। अलवर नहीं आया है, तो वो आएगा। देन आपके जितने बाकी पेंडिंग है वो आएंगे। 10:30 तक ये ट्रेन पहुंचने वाला है, लेट्स सी। वैसे थोड़ा स्लो हुआ था, बाद में उसने पिकअप कर लिया। एंडिंग में मैं आपको टूर दूंगी क्योंकि पूरा सीट भरा हुआ है। देखते हैं लास्ट में कैसा है ये जगह, आई मीन कोच। तो यहाँ पे खाना पीना करने के बाद पूरा ट्रिप में सो गए थे, बहुत मज़ा आया। एंड नाउ इट्स 10:15, 10:30 तक का टाइम था। लेट्स सी अब अभी कहाँ पहुँचे मुझे वो भी नहीं मालूम, पर बाहर क्लाउड बड़ा अच्छा है, आवाज़ आ भी रही है कि मुझे ये भी नहीं मालूम बिकॉज थोड़ा माइक का डिस्टेंस दूर है। हम लोग आ चुके हैं दिल्ली कैंट। एंड अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आप देख लो 10:25, इस टाइम पे इसको सराय रोला में होना चाहिए था और ये भी दिल्ली कैंट पे है। फिलहाल जो टाइम बता रहा है वो है 10:58 के आसपास। एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है उतर जाएंगे।
ये लोअर वाला सेगमेंट है जहाँ पे आपको इस तरह से चेयर्स मिल रहे हैं, यहाँ आपको टेबल मिल जाएगा। एंड ये इसका सेंटर पोर्शन है जहाँ पे आपको इस तरह से फुल टेबल मिल रहा है। यहाँ पे स्विच बोर्ड भी दिया हुआ है वहाँ पे भी। एंड ये आपका रखने का जगह हो गया कुछ इस तरह से। एंड ये मॉम, चले मॉम ऊपर का ले जाओ। फाइनली ये था हमारा जर्नी, हंसते खेलते हमने निकाल लिया, अब चलते हैं। ये है बेसिकली यहाँ का नीचे का यानी लोअर, मीडियम एंड ऊपर में है अपर वाला। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे अरेंजमेंट्स है। एंड ये इसके बड़े सारे गेट्स हैं जिसको खोलने में बहुत प्रेशर लगता है। सो यस, दिस इज सो मच ऑफ टास्क। तो यस, हम निकल चुके हैं एंड हमारी मॉम आ रही है। एंड यहाँ पे इसका टॉयलेट भी है, सिंक मिल जाता है, मिरर एंड सीट टेन। सो गाइज, यहाँ पे मेरा ये ट्रिप ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा रहा। फर्स्ट जो हाफ था ना, उसमें खाते पीते मैं आई, एंड क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी तो यू नो मैं 2 घंटा लगातार ट्रेन में सोई हूँ। थोड़ी बहुत ग्लिम्स आपको दिखाए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखाई। इस ट्रेन की खासियत ये है कि भाई जयपुर टू दिल्ली इज़ जस्ट लाइक 5 आवर्स का जर्नी, तो बहुत ही कंफर्टेबली आप इसमें निकाल सकते हो। 5 स्टेशंस हैं एंड 5 स्टेशंस में भी अगर आप देखोगे तो हार्डली 1 या 2 मिनट रुकती है, उससे ज़्यादा नहीं रुकती। ये डिले भी नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया था 10:58 दिखा रहा था, बट फिर भी इसने बहुत जल्दी यहाँ पहुँचा दिया। 15 मिनट लेट था ट्रेन एंड बाकी सब बहुत मज़ेदार था। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना क्या आप ये डबल डेकर में कभी बैठे हो, अगर बैठे हो तो आपको कैसा लगा। एंड मुझे बताना आपको नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का देखना है। फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ दिल्ली और अभी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दिल्ली के कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।